गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड सीजन 2 के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोग फायर फेस्टिवल के अगले दिन में देखते हैं, जहां पर सीनो यही सोच रही होती है कि साकी ने नाओया को किस क्यों नहीं किया। सीनो यही चाहती है कि जो नाओया है वो सिर्फ साकी को देखे और किसी को भी नहीं। तभी पीछे से नाओया आ जाता है और सीनो नाओया को देख कर डर जाती है और अपना फोन जल्दी से नीचे रख देती है और उसे लगता है कि नाओया ने सब कुछ सुन लिया। लेकिन जो नाओया होता है उसने तो कुछ सुना ही नहीं होता है। नाओया शिनो से पूछता है कि अब उसकी चोट कैसी है, लेकिन शिनो अपनी चोट के बजाय उसे ये पूछते है कि तुमने साकी को किस क्यों नहीं किया। नाओया बताता है कि फेस्टिवल में उसे मिरिका ने पकड़ लिया और वो उससे बचते हुए वहाँ से निकल गया, फिर उसने नागिसा के साथ काफी कुछ किया। तो ये सुन के शिनो हैरान हो जाती और वो उससे पूछती है तुमने क्या कुछ किया। तभी वहाँ पर अपना नाम सुन के नागिसा भी आ जाती है। अब शिनो नागिसा को पकड़ लेती और उससे पूछती है क्या तुमने नाओया के साथ कुछ किया। ये सुन के नागिसा शर्माने लगती है। तो ये देख के शिनो भड़क जाती है और कहती है क्या तुम दोनों ने किस भी किया। तो नागिसा साफ मना कर देती है। नागिसा कहती है कल हमने सिर्फ हाथ पकड़ा था। तो शिनो नागिसा और नाओया को पकड़ के कहती है जैसे तुमने कल किया था वैसे वैसे मुझे करके दिखाओ, और वो लोग वैसे वैसे करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग कहते हैं फिर हम लोगों ने बैठ के बातचीत किए और फायरवर्क देखे। ये सब देख के शिनो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो कहती है तुम लोग ऐसे ऐसे पोजेस दे रहे हो जैसे कि कोई लवर्स हो और तुम्हें साकी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया, तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगा। और वो रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और वो कहती है ये सब नागिसा सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम साकी और नाओया के बीच में क्यों आई। और वो आगे कहती है कि मुझे इन सब से मूव ऑन करना होगा। और वो नाओया का फोटो डिलीट करने की कोशिश करती है लेकिन वो डिलीट नहीं कर पाती है। और अब बैठ के वो नागिसा को ही कोसने लगती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुबह हो जाती है और उनके घर के बाहर बहुत सारा पार्सल रखा होता है। तो वो लेटर पढ़ते हैं तो उस पे लिखा होता है कि साकी ने कैंपिंग गियर सेट जीता है। तो साकी कहती है क्या मैं जीत गई। तो नागिसा कहती है क्या तुमने इसे किसी में जीता है। तो साकी कहती है शायद मैंने कभी जीता हो। फिर हमें पता चलता है ये सब तो मिरिका ने किया था अपने पैसों की पावर का इस्तेमाल करके। इसके बाद वो लोग एक लोकेशन पे आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें कैंपिंग के लिए अच्छा स्पॉट मिल जाता है और वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहीं पे कैंप लगाते हैं। अब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि नाओया टेंट लगाएगा और नागिसा खाना पकाएगी। और यही साकी को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ये कैंपिंग सेट जो जीता है और वो अपने आप को लकी मान रही होती है। तीनों कहती है एक तो तुम टू टाइमिंग डेटिंग करती हो और ऊपर से तुम नाओया को अपना नहीं बना पा रही हो और तुम अपने आप को लकी मानती हो। साकी कहती है फेस्टिवल वाली बात तुम भूल जाओ। तीनों कहती है किस करना मैं नहीं तुम भूली थी और तुम ये चाहती हो कि नागिसा तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे छीन ले। साकी कहती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, थोड़ा अपने दिमाग को शांत करो। साकी को लगता है कि सीनो उसको लाइक करती है लेकिन सीनो कहती है नहीं मैं तुम्हें हेट करती हूँ। तभी नाओया साकी के पास आ जाता है और वो उसे पानी ले आने के लिए बोलता है। सीनो कैन लेके चली जाती है पानी ले आने के लिए क्योंकि साकी नाओया और नागिसा पे नजर रख सके। पर सीनो पानी भर रही होती है तभी उसके पीछे से आ जाती है साकी जो कि उसके गोलू मोलू को दबाने लगती है। साकी कहती है मुझे पहचानो मैं हूँ कौन। तो शिनो कहती है साकी बस करो ऐसा क्यों कर रही हो तुम। तो साकी कहती है अगर मैं ऐसे तुम्हारे गोलू मोलू को दबाती रहूंगी तुम्हारा गुस्सा दूर भाग जाएगा। शिनो उसे रुकने के लिए बोलती है लेकिन साकी को तो मजा आने लगता है और बहुत समझाने पे भी साकी नहीं मानती है। तो शिनो साकी को एक पंच मारती है। इसके बाद ये लोग पार्क में बैठे होते हैं और शिनो साकी से कहती है कि तुम्हें नाओया के बारे में और भी ज्यादा सोचना चाहिए, तुम बिल्कुल भी नाओया के लिए सीरियस नहीं हो। साकी उसे पूछती है आखिरकार उसने किया क्या है। तो शिनो बताती है कि तुमने नाओया और नागिसा को इकट्ठे छोड़ दिया, क्या तुम सच में नाओया को पसंद करती हो। लेकिन साकी उसका जवाब नहीं देती है और नाओया को कॉल भी आ जाता है। अब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि नाओया से तो टेंट नहीं लग रहा होता और नागिसा से तो बारबेक्यू नहीं जल रहा होता है। तभी नाओया कहता है ये टेंट लगाना कितना मुश्किल है और नागिसा कहती है कि ये बारबेक्यू चलाना कितना मुश्किल है। अब उन्हें लगता है कि उन्हें बिना खाए पिए बिना टेंट के बाहर ही सोना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पे मिरिका आ जाती है और उसको पता था कुछ ऐसा ही होगा इसलिए वो पूरे प्लान के साथ यहाँ पे आई होती है और वो लोग मिरिका को देख के काफी हैरान होते हैं। और अब हम लोग देखते हैं मिरिका टेंट लगा देती है और वो बारबेक्यू जला के उससे खाना भी पका देती है। ताकि उसे कहती है क्या ही कॉइंसिडेंस है कि तुम मुझे यहाँ पे मिल गई। नाओया को शक होता है कि ये कोई कॉइंसिडेंट नहीं हो सकता है। तो उन्हें पता चलता है कि जो मिरिका है वो उन्हें फॉलो कर रही थी। तो मिरिका भी सब कुछ बता देती है कि जितना भी साकी ने जीता है उसने अपने पैसे से खरीद के उसको भेजा था और ये उसका ही प्लान था। साकी कहती है कि तुमने नाओया के क्लोज आने के लिए इतना सारा पैसा क्यों वेस्ट कर दिया। मिरिका कहती है मैं नाओया के करीब आना चाहती हूँ और मैं उसको अपने हाथों का बनाया हुआ खाना खिलाना चाहती हूँ। उसके बाद मिरिका साकी को खाना ऑफर करती है लेकिन नाओया उसे रोक लेता है और कहता है इसको खाना मत इसके अंदर पॉइजन हो सकता है। तो मिरिका कहती है ऐसा मैंने किया था लेकिन
लेकिन आज वाले खाने में कोई पॉइजन नहीं है। सुनके तो मीरिका से विश्वास उनका उठ ही जाता है। तो नागिसा खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है। साकी मीरिका को ताना मारते हुए कहती है कि देखो हमारे पास तो एक मास्टर शेफ है। तो मीरिका और रीसा अपना बनाया हुआ पिज्जा खाते और कहते हैं कितना अच्छा है। और उनको पिज्जा खाता हुआ देख तो साकी को भी पिज्जा खाने का मन करता है, लेकिन वो नावया की वजह से रुकी हुई थी। फिर साकी नागिसा से पूछती है कि हमारा मीट बना कि नहीं। वही हम लोग देखते हैं कि जो नागिसा है उसने तो मीट को पूरा ही जला दिया है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कैंपिंग में कुकिंग करने का। अब मीरिका भी मीट को पकाने लगती है और वो कहती है ये इजी तो नहीं है, लेकिन जब ये मैंने कुकिंग रेसिपी YouTube पे अपलोड करी थी तो मुझे 3 लाख व्यू आए थे। और वो एक से एक डिश बनाती है और उनके सब्सक्राइबर और व्यू बताई जा रही होती है। यहाँ इतना खाना देख के तो साकी को और भी ज्यादा भूख लगने लगती है और वो मीरिका के पास जाने लगती है खाने के लिए। लेकिन मीरिका कहती है ये जो मैंने खाना बनाया है ये सिर्फ मैंने नावया के लिए बनाया है, पहले वही टेस्ट करेगा। ताकि उसे फोर्स करती है खाना खाने के लिए। तो नावया भी खाने के लिए बैठ जाता है। नावया वो खाना खाता है और सभी लोग वही खाना खाते हैं और सभी लोग को काफी ज्यादा पसंद आता है। नावया मीरिका से कहता है तुम इतनी इनडिफरेंट क्यों हो जबकि मैंने कल तुम्हारे से कितना बुरा किया था। तो मीरिका कहती है क्योंकि तुम मुझे लाइक करने लगे हो। ये सुन के तो साकी के मुंह से खाना ही बाहर निकल जाता है और वो मीरिका से कहती है क्या तुम पागल हो। तो मीरिका कहती है तुम उसी से पूछ लो। तो साकी उसे कहती है नावया तुम उसे बता दो कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो। तो नावया कुछ बोलता नहीं और वो बाद में बोलता है शायद थोड़ा थोड़ा मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा हूँ। और ये सुन के तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और ये सुन के मीरिका जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मुझे ऐसे ही करते रहना है और एक दिन ऐसा आएगा जब नावया सिर्फ मेरा ही होगा। नावया मीरिका के सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर साकी नावया को नीचे गिरा के उसे पीटने लगती है। तो मीरिका कहती है कि साकी नावया पे गुस्सा करती है इसलिए नावया उसे उतना पसंद नहीं करता है। तभी रीसा मीरिका से पूछती है कि नावया की कोई गर्लफ्रेंड है। तो साकी और नागिसा कहते हैं कि हाँ मैं उसकी गर्लफ्रेंड। और ये देख के तो रीसा भी काफी ज्यादा हैरान होती है। तो मीरिका बताती है शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं कि उसकी ऑलरेडी ही 2 गर्लफ्रेंड है और वो लोग 2 टाइमिंग डेटिंग कर रहे हैं और 2 टाइमिंग डेटिंग बिल्कुल बेकार है। तो रीसा कहती है आप उससे प्यार करते हो जो पहले ही 2 टाइमिंग डेटिंग कर रहा है। मीरिका कहती है कुछ ऐसा ही। और वो साकी और नागिसा को देखती है और मीरिका से कहती है क्या आप इन दोनों से उसका बॉयफ्रेंड छीन रही हो। मीरिका कहती है कि मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ लेकिन नावया तो उनसे ब्रेकअप करता ही नहीं और यही बात मुझे काफी पसंद है उसकी। रीसा मीरिका को जोरदार थप्पड़ मार देती है और उनसे कहती है कि आप अपनी वीडियो में पूरा हार्ड वर्क करते हो और आप एक सक्सेसफुल लड़की हो पर आप मेरे साथ काफी अच्छा बिहेव करते हो, आप इतने बेमान लड़के को कैसे सेट कर सकती हो और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। भाई इन दोनों की बहस देख के तो साकी भी रीसा को सपोर्ट करने लगती है। जो रीसा होती है वो तो उल्टा ही साकी में भड़क जाती है लेकिन जो साकी होती है वो तो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती है। वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसकी फेवरेट यूट्यूबर ने उसे नोटिस किया। जिन्हों मीरिका से कहती है तुम नावया की जिंदगी से दूर क्यों नहीं चली जाती। मीरिका कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं चाहे तुम लोग मुझे पागल क्यों ना समझो लेकिन मैं नावया से काफी ज्यादा प्यार करती हूं पर एक दिन ऐसा जरूर रहेगा जिस दिन नावया मेरा ही होगा। जिस बात पे साकी काफी तो गुस्सा हो जाती है पर वो कहती है कि आज के बाद मीरिका नावया से कभी नहीं मिलेगी। नावया भी उड़ जाता है तो साकी उससे कहती है जो भी तुम्हारे और मीरिका के बीच में हुआ है वो मैं जानना चाहती हूँ लेकिन बाद में। नावया जैसे ही अपनी बात रखने वाला होता है तभी नावया सो जाता है। फिर हमें पता चलता है जो मीरिका है उसने सारे के खाने में नींद की दवा मिला दी थी जिससे कि सभी लोग सो जाते हैं सिवाय मीरिका के। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सहयोग नारा और बाय।